नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल होने वाली है। भगवान का लिखा कोई भी नहीं डाल सकता है, इसलिए आज की इस वीडियो को आप अकेले में देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके अपने ही आपके बड़े दुख का कारण बने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। व्यक्ति के लिए कितना ही कर दो, यदि उसकी प्रवृत्ति धोखा देने वाली है तो वह आपको धोखा देकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों आपको बता दे, आपने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन लोग न जाने क्यों आपके साथ बहुत गलत करते हैं, आपको परेशान करते हैं, यहाँ तक कि आपका जीना भी दुश्वार कर दिया है। और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आप लोगों को मुश्किलों का सामना ही करना पड़ता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हर एक विषय पर बहुत गहराई से चर्चा की है और आप लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान देने की कोशिश की है। दोस्तों यकीन मानिए कि इस तरह के वीडियो बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद ही तैयार किए जाते हैं। तो हम केवल आपसे यही चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन में इस ज्ञान का प्रयोग करके कुछ लाभ हासिल कर लें। यदि आपके जीवन में कुछ प्रतिशत भी लाभ प्राप्त होता है, आपको खुशियां प्राप्त होती है, तो हम समझ लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। याद रखिएगा कि जिनके साथ माँ लक्ष्मी होती हैं उनका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता है। दोस्तों हमें मातृशक्ति के लिए जीवन पर्यंत आभार और सम्मान व्रत करना ही होगा, चाहे हम इसे कर्ज समझकर करें या फिर अपना धर्म समझकर करें, लेकिन ये हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है। दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हम जान लेते हैं कि आपको रुपए पैसे को लेकर के दिक्कतें बहुत लंबे समय से चल रही हैं। पिछले कुछ समय से आपको थोड़ा बहुत धन लाभ अवश्य होने लगा है, लेकिन आप उसका सुख अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। यानी कि दोस्तों आप चाहे अनचाहे कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसके कारण आपको धन नहीं मिल पाता है। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं आपके 24 घंटे के राशि के महाराशि फल के बारे में। व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कार्य को व्यवस्थित रूप से रखने में समावेश बनाए रखें और विवाह संबंधी मामलों में अधिक समय दें। धंधा की स्थितियां बनी हैं, परिवार के सदस्य को उनके तरीकों से कार्य करने दें, उनका सहयोग करें। दोस्तों आत्मबल बढ़ेगा, वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, महत्वपूर्ण कार्य भी कुछ रुक सकते हैं। दोस्तों किसी बात पर जरूर से ज़्यादा विचार ना करें, वरना लोग आपका गलत फायदा उठा सकते हैं और आपसे अधिक कार्य उठाने का भी कार्य कर सकते हैं, सावधान रहें। इसलिए आप पूरी मेहनत व व्यवस्था के साथ में कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। रखा हुआ पैसा मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह से डील करने के लिए पेपर काफ़ी अच्छे होने जाएंगे। अविवाहित व्यक्तियों के लिए भी कुछ अच्छा रिश्ता आने के घर में खुशी के वातावरण बन रहे हैं। व्यवसायिक कार्यों में भी दोस्तों आप लोगों को नई खास उपलब्धियां मिल रही हैं। दोस्तों आपका जीवन इस समय बढ़िया है, क्योंकि आपकी हर एक इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है और आपको पहचान भी मिलेगी। इस समय अपने दिमाग की सुने और सही लोगों से बातचीत से भी आपको मदद मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि अपने महबूब के साथ में लंबी यात्रा का प्रोग्राम बनेगा, लेकिन सफ़र में गड़बड़ी या फिर बीमारी की आशंका है, इसीलिए सावधान रहना ज़रूरी है। और दोस्तों याद रखें कि किसी को पास लाने के लिए विचारों के साथ साथ व्यक्तित्व का भी लुभावना होना भी बेहद आवश्यक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको जिस चीज़ के लिए पता होना चाहिए वे जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ऐसे मूल मंत्र बता रहे हैं जो आपके जीवन में पूरी तरह से कारगर साबित होने वाले हैं और आप लोगों को नई उपलब्धियां भी दिलाने वाले हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं उन तीन कारणों के बारे में। दोस्तों ऐसे पुरुषों के पास में आखिर क्यों दौड़ी चली आती हैं महिलाएँ? जी हाँ दोस्तों, कोई भी जितना सम्मान किसी और को देता है वह उतना ही सम्मान पाने का अधिकारी होता है। ऐसे में सम्मान देने से महिलाएं भी पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं। यदि दोस्तों आपके पास कोई भी महिलाएं हैं
जिन्हें आप जानते हैं, जिनका आप आदर सम्मान यदि कर लेते हैं तो वो आपके प्यार में पागल हो जाएंगी। भले ही वो कोई भी हो, उसका आपके साथ में कोई भी रिश्ता हो, जिस भी स्त्री को आदर सम्मान जहाँ पर मिलता है वो वहाँ पर अपना सब कुछ त्याग करके आपके साथ चलने को राजी हो जाती है। दोस्तों, स्त्री के रहस्य को जानकर भी उसे किसी के सामने व्यक्त ना करें तो दोस्तों ऐसे में ऐसे पुरुष बेहतर कहलाते हैं। पाबंदी किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। ऐसे में यदि कोई पुरुष किसी महिला पर कोई भी पाबंदी ना लगाए तो उसे अपने तरीके से जिंदगी जीने की आज़ादी दे तो ऐसे पुरुषों के प्रति स्त्रियों का आकर्षण बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो और ये तीन खास बातें पसंद आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, किसी प्रकार की गलतफहमी हो सकती है, आज कहीं निवेश ना करें तो दोस्तों ये बेहतर रहेगा। किसी भी दस्तावेज या फिर पेपर संबंधित कार्यों में हस्ताक्षेप करने से दोस्तों अच्छी तरह से आपको जांच पड़ताल अवश्य कर लेनी है। कारोबार में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। शेयर और स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी तथा घर में नज़दीकी रिश्तेदारों के आने से चहल पहल और खुशी भरा वातावरण बना रहेगा। साथ ही आपको बताएं दोस्तों, अचानक टूटा हुआ रिश्ता आपको परेशान कर सकता है, लेकिन याद रखें कि जो भी होता है वे अच्छे के लिए ही होता है। इस बीच जबरदस्ती खींचा जा रहा रिश्ता अधिक समय तक नहीं रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो इस समय आपको मज़ा लेना चाहिए। यदि विवाह के इच्छुक हैं तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। आपके लिए खुशखबरी है एवं आपके अकेले रहने के भी दिन अब जा चुके हैं और आप प्यार के मधुर क्षणों का मज़ा लेंगे। आपका रोमांटिक फ्रेंड प्रेम और उत्साह से भरा हुआ है और आपको बताएं कि दोस्तों आज आपके सब जो भी प्रिय मंत्र हैं और कामों विचारों में एकाग्रता और शांति रहने वाली है। आप किसी विवाद से प्रभावित ना हो दोस्तों, ये अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आपको शांति दूत बनना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। दोस्तों, आज आप अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं और उसके साथ मुलाकात कर सकते हैं जिसका आपके साथ में एक करीबी रिश्ता बन सकता है। इस मुलाकात की वजह से आप लोगों को अपने मौजूदा संबंधों के भी गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं या फिर दोस्तों आपको उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल सकते हैं या फिर पुराने रिश्ते का नवीनीकरण करके एक नई शुरुआत के चिन्हित कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए, उसे छुपाए नहीं और इसी तरह से आप एक बेहतर दिन को जी पाएंगे। बात कर लेते हैं आपके आज के व्यापार और करियर के बारे में। तो दोस्तों, कुछ समय से आप अपने कार्यालय में आप काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे थे और ये खूबी आज आपको आपके मालिक की नज़रों में काफ़ी ऊपर उठा सकती है। पद उन्नति में आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन दोस्तों आपके सहकर्मियों के द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आप लोगों के लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डाले।